टेक्नोलॉजी एवरीवेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ CMD के कूल ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले CMD खोल लेते हैं। मेरा थोड़ा विंडोज 8 है तो थोड़ा अलग खुलेगा। मैं CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा इसको। इतना बड़ा खोलने से अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ से भी खोल सकता था, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी दिखाई और लंबा खोला, तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी, आप मत दिखाइएगा। थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली ट्रिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, CMD का ये जो टेक्स्ट आता है, ये जो ऊपर लिख कर आता है विंडोज़ वगैरह जो भी लिख के आता है, इसका हम कलर कैसे चेंज करते थे। सबसे पहले डालिए कलर लिस्ट। आप एंटर करेंगे ना तो सारे कलर के लिस्ट आ जाएंगे, ये इधर से लेके, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे कलर के लिस्ट है। आप देखिए, जैसे 0 ब्लैक का है, 1 ब्लू का है, 2 ग्रीन का है, और ये 3 भी, ये सब देख लीजिए आप, और ये पूरे F तक है। तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाला सबसे अच्छा लगता है तो मैं डाल दूंगा कलर। कहाँ है 2 का? 2 है ग्रीन का, ठीक है, 2 डालूंगा तो ये पूरा ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा ग्रीन में चेंज हो गया है। अब आपको थोड़ा प्रोफेशनल जैसी फीलिंग आएगी। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूँ आपको। अब आप अपने CMD में डालिए सिस्टम इन्फो, सिस्टम इन्फो, और जैसे ही आप, सॉरी, सिस्टम इन्फो में बीच में स्पेस नहीं देना है। मैंने बेवकूफ़ी दिखा के स्पेस दिया, इसीलिए नहीं हुआ था। ठीक है, मैं ज़्यादा बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लग रहा हो। अब आप देख सकते हैं मेरा होस्ट नेम जो भी है, होस्ट नेम मेरा वो आ चुका है इधर। इंडियन है मेरा होस्ट नेम, जो भी मेरी मतलब पूरे कंप्यूटर की बायोस वर्जन भी दिखाता है। बायोस वर्जन मेरे को पता नहीं था, लेने वो अच्छा ही है। बायोस वर्जन सब कुछ बताएगा, मैन्युफैक्चरर वगैरह, ये आपकी कंप्यूटर की इन्फो बताएगा। ये वाला ट्रिक थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे कोई भी वेबसाइट का, सबसे पहले तो लिखेंगे आप पिंग, PING, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे ना, उसका IP एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंटरनेट तो कनेक्ट कर ही लूँ, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, इंटरनेट एक्सेस। अब मैं इधर पे लिखता हूँ जो भी वेबसाइट का नाम मुझे चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PING पिंग। अब WWW, अब क्या लिखूँ मैं, यूट्यूब लिख देता हूँ डॉट, क्या है यूट्यूब थोड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो हो ना हो कुछ गारंटी नहीं है उसकी। ये यूट्यूब के IP एड्रेस वगैरह सब कुछ आने लगे, टाइम रिप्लाई वगैरह ये सब आ गए। ये रहा IP एड्रेस यूट्यूब, और ये सब कुछ बताएगा कि गूगल का है यूट्यूब, ये देख लीजिए आप, YouTube.com, ये सब, और ये IP एड्रेस विथ 32 bytes ऑफ डाटा। ठीक है, ये वाली कमांड मैं आपको बड़ी मतलब बड़ी वाली कमांड बताने वाला हूँ। इसमें आप लिखिए, मतलब कमांड मतलब जो आप टाइप करेंगे इसमें वो छोटा है, जो वो असर करेगा वो थोड़ा बड़ा है। तो अब आप इसमें लिखिए हेल्प। हेल्प लिखने के बाद आप एंटर करेंगे ना तो जितने भी, देख लीजिए मैंने बोला था बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ये, पूरा बहुत बड़ा है ये। अब क्या करेगा, आपकी जो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी मतलब कमांड एक्सेस कर सकते हैं आप, जो भी मतलब कमांड एक्सेस हो जाएंगी, वो सब कुछ आप, वो सब कुछ इसमें दिखाएगा, सब कुछ शो होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा वाईफाई से रिलेटेड है। अब आप इसमें लिखेंगे नेट्स वैलन, NETSH WLANSHOW, नेट्स वैलन शो प्रोफाइल्स एक्चुअली। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इसमें, तो ये सारी जो नेट्स वैलन की प्रोफाइल है, आज तक आपने जितने भी इंटरनेट से कनेक्ट किया है, जब भी, जैसे मेरी विंडो जब फॉर्मेट हुई थी तब से लेके, जब फॉर्मेट होके नई विंडो डली थी, जब नई विंडो डली थी तब से लेके अभी तक मैंने जितने भी,
तब से लेके अभी तक मैंने जो भी वाईफाई से एक्सेस किया है वो इसमें आपका आ जाएगा, वो सब कुछ आपका इसमें लिख के आ जाएगा। अब जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, मेरा जो वाईफाई है, वाईफाई का राउटर, इसका पासवर्ड जानना है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, नेट बैलेंस शो प्रोफाइल्स तो लिखेंगे ही, इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था मैं बताऊँ आपको। अब वापस से अगर आपको किसी चीज़ का पासवर्ड जानना है, जैसे अब आप इसमें वही चीज़ लिखेंगे, नेट बैलेंस शो प्रोफाइल, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखी थी आपको। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अब नेट बैलेंस शो प्रोफाइल्स कर दीजिए, आगे आप नेम नेम लिखिए और इज इक्वल टू कीजिए। अब आगे जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड, मतलब पासवर्ड बोल रहा हूँ मैं, जो भी नेम था वाईफाई का, जैसे मेरा वाईफाई का पहले वाला नेम था इंडियन, INDIAN, तो मैं वही लिख देता हूँ और एंटर करूँगा ना, तो पूरे जो भी इंडियन मैंने जब से, उसका सब कुछ बता देगा ये, इंडियन कनेक्ट, मैनुअली कनेक्ट मोड, ये सब बताएगा, इसमें की भी बताएगा, लेकिन उसके लिए हमको की लिखना पड़ेगा। मैं बताऊँगा आपको, नेट बैलेंस शो प्रोफाइल्स, नेम आप वापस से लिख लीजिएगा इंडियन, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट आजमा दिया, सॉरी, ठीक है, नेट वैलिड नेम इंडियन। अब इसमें आपको लिखना है, अगर आपको पासवर्ड जानना है तो की इज इक्वल टू, मेरा एक और वीडियो है उसमें CMD मैंने आपको बताया है कि वाईफाई का पासवर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, एक सिंपल वे है और एक थोड़ा मुश्किल वे है, तो वो भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई है आपको। अब की इज इक्वल टू क्लियर पर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसमें एक की कंटेंट में आपका पासवर्ड आ जाएगा वाईफाई का, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो पासवर्ड आपके PC में सेव है वही पासवर्ड आएगा, ऐसे पासवर्ड नहीं आएंगे कि आपने कभी कनेक्ट ही नहीं किया और डाला और पासवर्ड आ गया, ऐसे कुछ हैकिंग वगैरह का कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप थोड़ा सोशल बात पे आते हैं, मैंने एक मतलब चैनल के ओनर से बात करी थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को विजिट करिए, अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मतलब वो भी एक टेक्निकल चैनल है, वो मेरे चैनल से भी अच्छा है, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कौशल शर्मा नाम है उसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और प्लीज़ जाइएगा उस चैनल पर। और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, प्लीज़ प्लीज़।